हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सब कैसे हो? मैं अभी घूम के आई हूँ और सुबह के बजे हुए हैं, सुबह के तो नहीं बोल सकते सुबह के बजे हुए हैं 7:30 और मैं घूम के आई हूँ और अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय। चाय आप किस लोगों के साथ मैं शेयर करना पसंद कर रही हूँ आज, क्योंकि आज संडे है, बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे, आज पूरी मौज मस्ती करने वाले हैं। गुंजन तो बोल रही है कि बुआ जी वहाँ कहीं पिछले संडे की तरह घूमने के लिए चलेंगे, लेकिन नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आज बहुत सारी एक्सरसाइज करके आई हूँ, इसलिए मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं बना रही हूँ अपने लिए स्पेशल चाय। तो गाइज, आप लोगों ने भी चाय पी ली होगी आज मैं तो अभी पहले 2 गिलास गर्म पानी पिए हैं और अब मैं पी रही हूँ चाय। प्रियंका, दूध लोटे में है। तो ये हमारी अच्छी वाली चाय बनने लग रही है, आप शक्ल देख के बता सकते हैं कि कैसी चाय है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसमें मैंने इलायची डाली है, आज अदरक खत्म हो गई हमारी, आज इसमें इलायची डाली है, लौंग डाली है, थोड़ी सी दालचीनी डाली है क्योंकि अब ठंड आ चुकी है, तो दालचीनी चाय में डाल के पीने से उसका टेस्ट अलग हो जाता है और बहुत सेहत में भी फायदेमंद करती है दालचीनी। और गाइस, मैंने आपको बताया था कि 12 तारीख जो कि बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, तो मैं उसकी तैयारियों में लगी हुई हूँ। 12 तारीख ऐसी है जो हमेशा मेरे लिए यादगार बनने वाली है, जो पीछे की जो पुरानी बातें जो थी वो अब मैंने उन सबको भुला दिया है, क्योंकि क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी जीना जहाँ पर अपने ही ना हो, अपने ही दुश्मन हो, अपने तो बोल ही नहीं सकते, उन इंसानों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने उन सबको एक साइड में करके अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन किया है। और मैं तो यही कहूँगी कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हर किसी के आते हैं, लेकिन उनका डट के सामना करना, ये ही ज़िंदगी है, डट के सामना करना, मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है। तो वट एवर, मैं इन बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं रखने देना चाहती, तो मैं अपनी टेस्ट कर रही हूँ अपनी चाय। मीठा कम है, वैसे तो मैं कम ही पीती हूँ मीठा। हाँ जी, अब देखो आज संडे है और ये मेरे बच्चे मेरे को परेशान करके रख देंगे, एक उधर से आवाज़ लगाने लग रही है, एक उधर से आवाज़ लगाने लग रही है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये मेरी सबसे प्यारी मुनिया उठ चुकी है, जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। गुड मॉर्निंग चीकू। गुड मॉर्निंग। ये देखो, बोलो गाइस को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चीकी। उठ गया? हाँ। ये भी उठ गया। आज तो अभियान, सफाई अभियान चला हुआ है घर में। ये देखो अलमीरा की कार्रवाई उठा दी आज, कपड़े फैले पड़े हैं बुरी तरह से। हाँ, और नहीं नहीं चाहिए इसने तो घर पे। ये तो मेरी है जी, मैं पहन लूंगी। एक ये वाला मैंने नया ट्रैक सूट खरीदा, ये देखो। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। क्यों चिल्ला रही है तू? चिल्ला नहीं रही। मेरे झुमके सारे उठा के रख दे भाई, ठीक है, क्योंकि ये काम आने वाली है, इन पैक कर दे सारे डिब्बे में, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, उसमें रख दिया सूटकेस में। मेरी बैंगल्स भी सारी। ये सूट अच्छा लग रहा है कॉटन का, गर्मी में ना, गर्मी में समाऊंगी तो। एक बार रेनबो वाली जैकेट बोल रही थी, वह कहाँ है? मेरे ने दिखाई है, वाह, कलर है भी, वो ना अच्छा लगा। साड़ी का देखाई थी मैं, माँ का इसके लिए।
सूट का सूट है। ठाकुर की जैकेट दे दे मुझे। दे दे मम्मी तो क्या दे सिलवा लेगी, कॉटन है, कॉटन है। पापा से कहूंगी, पापा दिलवा। गरम है, सिलवा लेगी। अच्छा बात है, यही ना लगी तुम्हें जब देखा लगी थी माँ को, उधर लगाई थी। पापा दिलवाएंगे, क्यों दिलवाएंगे, घर पे नहीं डालनी। मैंने मैं डालूंगी इसमें, ठीक है ना। लेकर दिखा दिए तू यस मेरी जैकेट है, मम्मी ने अपनी अपने पास है, तेरे पास सेम ग्रीन कलर की है। मैं इसीलिए कहा था मैं चेंज करवा ली, इसीलिए लेकर आता है काफी कलर ने मनी मना अच्छा नहीं लगा, दूसरा फिर वो कलर लेकर आ जाएगा। तो क्यों बकवास करने लग रही है, सबकी चीजें नट पे जातू है। मैंने दो भैया था ना अपने यहाँ सारिया ने घर का सेट कर रहे हैं, और क्या बाहर भी तो चाहिए। मैं इस समय तो अपनी का नाश कर रहा हूँ, मैंने दो पे पहले तो मेरे लिए रखे ना भाभी ने, ये मम्मी पड़ी मेरे पैर में भाभी। मैं ना घर से टैग कोई नहीं, मैं ले लूंगी पापा से जैकेट, तू टेंशन ले रही हो मेरे दोस्त के जैकेट। तो गाइस इनका तो ऐसा ही चलता रहता है सारा दिन, गुंजन को तो चाहिए नए नए कपड़े डेली के, लेकिन बहुत सारे कपड़े हैं इसके पास, हद से ज़्यादा कपड़े हैं, फिर भी इसको हर किसी का नहीं, मेरी जितनी भी जैकेट जितनी भी जर्सी कार्डिगन जितनी भी है सब कुछ डालती रहती है। अच्छा है फ़ायदा, क्योंकि लाडली है ना, इसको कोई मना नहीं करता सिवाय इसकी मम्मी के। मैं तो इसको कुछ भी मना नहीं करती भाई, यही लाइफ है, आगे क्या पता कैसा नीच इंसान मिले, जिंदगी डिस्ट्रॉय डिस्टर्ब और ख़राब करने के लिए ये एक कभी किस्मत का पता नहीं लगता। जिनकी वैल्यू दो पीसे की डैड बोलते ना, जिसको दो पीसे का डैड ऐसे लाइफ में आके जिंदगी को बर्बाद कर देता तो क्या ही पता, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ ऐसे कोई भी वो नहीं करेंगे, जब भी कुछ करें खुद पे छोड़ रखा है, जो करेगी खुद करेगी। ठीक है तो हम पीते हैं चाय, खा जाओ। राधे राधे लड्डू, हमारा लड्डू कितना सुंदर लग रहा आज। उसको खाने के लिए मैंने आज क्या क्या दिया देखो, एप्पल दी थी, गूंद दिया है, और ये है चाय, है ना लड्डू। बुई की बनी चिक्की की चोरी पकड़ी गई भाई, पकड़ी गई चिक्की बनी हुई थी लड्डू। और इसने बोल दिया हाय बुआ जी। तो गाइस मेरी चाय रेडी हो चुकी है, अब हम पीते हैं चाय। लो ये सेंट खत्म हो गया, दूसरा ले आइए। दूसरा भैया ये था, ये ही लेके आऊंगा दूसरा, इसको फेंक दे, अच्छी है इसकी खुशबू, ये अच्छा लगता है। ओके प्रियंका आज चाय पी के देख, चाय में आज बात ही कुछ अलग है। बहुत टेस्टी चाय बन रही है आज। खा के देख कितना अच्छा गूंद। घर पर कब पहने? अच्छा घर पर भी पहने हैं इसने, तो गति हद कर है अर्थ का जो उठा है सारे करते कर रहे इसने, गलत बात है, जब ये कोई बात थोड़ी है तो सारे कपड़े घर पर घसीटेगी। घर पर रहे तो बताइए, नए नए लगते हैं कि दाड़ी अड़न में एक दिन तो जाना पड़ता था पैर जाए उन्हें, मेरे साथ सूट पड़े हैं वहाँ पर ड्राई क्लीन वाले के पास। हाँ उठा के लेने आज वे। तेरे पापा तो बताऊँ मैं घर पर रही इसने, लाइक मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ मैं बताऊँगी ना उससे, जब आज आपकी तरह रोस्टेड नहीं है मेरे पापा। एक चीज ने न्यू ना छोटा लगे तो पैर जाए।
कल का क्यों पहनी थी? उसने भी एक दिन और पहन रखे जितने हैं। जब मैंने उन्हें कही मखा क्यों पहन रहा है इसने। वाओ वाओ चिकी ने क्या किया, वाओ वाओ। चिकी तो हर चीज गिरा के खाती है। कोई बात नहीं बेटा, उठा ले, इसको छोड़ दे, तू छोड़ दे, मैं कर दूंगी साहब। रहने दे अब इसको, अरे रहने दे। लेकिन की फिटी होता है नवाई सी है, पीले जुकाम ना होगा मेरे बेटा। ना मैंने पीली पोत इतनी पी ली, मैं आज कितनी पी ली तेने? ना मैंने पी ली बेटा, ले मत पिलावा इसको चाय। ये चाय मांगा इसको, जुकाम हो रहा है सुबह सुबह। अदरक की है ना, या उसी बने रही बढ़िया। ले बेटा पीले स्ट्रॉन्ग चाय बन रही, पीले पीले झाड़ू लगा दे, पोछा में लगा दूंगी। तो गाइस ये देखो हमारी टैलेंटेड लड़की, ये पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करवाती है। अभी ये चटपटी मिर्च बनाएगी। मैं करती हूँ घर के काम, पर कभी कभी जिस दिन छुट्टी होती है मम्मी को हेल्प चाहिए होती है सिर्फ उसी दिन। वो तो चाहिए भी होती है, जरूरी होता है, ये कोई जरूरी नहीं होती। और क्या बनाएगी? रायता बना रही। रायता किस चीज का? रायता पूरे बनाओगी? पूरे बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी। ठीक है, देख इसमें भी ना मिक्स करे मेथी भी दियो पूरा, जल्दी बना इसमें ढक दे। अभी मिक्स तो कर देती। हाँ मिक्स कर दे, लो फ्लेम पे। हाँ मिल गया मेरी चौकन की चीज। वो तो पैक में होगा। और ये हमारी भाभी बर्तनों पे प्रहार करती हुई, भारी पड़ रहे हैं बर्तन। और हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है, घर की सारी साफ सफाई कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। अब मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, इसी में आज कपड़े धोने हैं। हेलो गाइस, मैं उतार रही हूँ रायता बनाने के लिए बेसन के पूड़े। ये देखो, अच्छा नमक मिर्च डालकर इसमें मैंने ये उतारे हैं पूड़े। इनसे बनाएगी मेरी बहू रानी रायता। ऐसे बनते हैं ये पूड़े, तेल डालकर। मैंने एक पूड़ा उतार दिया है, अब मैं दूसरा उतारने के लिए ऑयल डाल रही हूँ। इससे बनेगा टेस्टी रायता।
रे। और अब करते हैं हम इंजॉय। मम्मी ने बनाया पराठा पूरा। हाँ इतना अचार खाओगे तू? वो एक्स्ट्रा डल गया। हेलो, तो गाइस खुली छत में ठंड में धूप में घूमना की तो एक अलग ही बात है, और धूप में सारे कपड़े वपड़े भी सूख जाएंगे। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, देखो अभी धुले नहीं है, धुलने लग रहे हैं। इतने सारे तो धो दिए। और ये देखो बच्चों की सॉक्स, सबसे ज़्यादा गंदी चिकी करती है अपने कपड़े, बच्ची है ना वो भी। और वहाँ देखो कितना अच्छा ग्राउंड बन गया, वो उधर बच्चे खेलने लग रहे हैं छोटों पे भी। मजा आया पूरा खा के है? यही बाकी है, और तो सारे कपड़े धुल गए। तो गाइस ये देखो मेरा नया ट्रैक सूट कैसा लगा आपको? मेरे पास ये दो कलर के हैं, एक ब्लू कलर का और एक ये है, ठीक है। सर्दियों में इससे कंफर्ट चीज नहीं है क्या? इससे कंफर्ट चीज और कुछ नहीं है, जितने मैं ये पहन रही हूँ ना, मैं इतनी कंफर्ट फील कर रही हूँ कि आपको क्या ही बताऊँ। और आज हमारा हो गया खाना, और गुंजन बोल रही है बार बार भूजी आ जाओ, हॉरर मूवी देखेंगे, हॉरर मूवी देखेंगे। तो हम देख रहे हैं हॉरर मूवी, चलो आप लोगों के साथ। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पता है ना आप लोगों को इससे कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ हम कौन सी मूवी देख रहे हैं। लेट्स गो। कौन सी मूवी चला रही चिको? निकी अलोन अलोन। हाँ हॉरर है ये? हाँ। और तू क्या कर रही है साथ में? काम कर रही हूँ मैं। अच्छा पढ़ाकू? वो तो हुई मैं। चलो हम देख रहे हैं मूवी। चिकी क्या देख रही है? तेरे को डर नहीं लग रहा? अच्छा असली कबूतर। क्या कह रही है? असली कबूतर साथ बैठी है? अगर खाए असली कबूतर। काम करने लग रही है असली कबूतर। गाइस मुझे भूत बताया जा रहा है। It's caught in the crossfire.